ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है महात्मा गांधी के प्रसारण भवन में एकमात्र आगमन के 73 वर्ष पूरे होने की पुण्य स्मृति में आयोजित लोक सेवा प्रसारण दिवस के पुनीत अवसर पर श्रद्धेय महात्मा गांधी को समर्पित आकाशवाणी दिल्ली, प्रसार भारती और जन प्रसार की संगीतमय प्रस्तुति। नमस्कार, मैं सुजाता रथ आप सभी का स्वागत करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रसारण भवन में एकमात्र आगमन के पुण्य स्मृति में आयोजित लोक सेवा प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं, अभिनंदन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 12 नवंबर 1947 को दोपहर 3 बजे आकाशवाणी भवन पधारे थे। बापू को 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र में जनसमूह को संबोधित करने के लिए जाना था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो वहां नहीं जा सके, तो उन्हें ये सलाह दी गई कि क्यों ना आकाशवाणी में रेडियो के माध्यम से वो जनसमूह को संबोधित करें। तब बापू आकाशवाणी पधारे थे और उस समय आकाशवाणी के स्टूडियो को एक प्रार्थना स्थल का रूप दिया गया था। महात्मा गांधी का आकाशवाणी में वो एकमात्र आगमन था। उनके आगमन की पुनीत स्मृति में वर्ष 2000 से इस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, सामान्य परिस्थितियों में प्रसार भारती, आकाशवाणी और जन प्रसार के सहयोग से आकाशवाणी के प्रांगण में इस अवसर पर सादगी के साथ एक छोटे से समारोह का आयोजन किया जाता रहा है, किंतु इस वर्ष वैश्विक कोविड महामारी के कारणवश तथा तत्संबंधी निर्देशों का अनुपालन करते हुए पूर्व वर्षों की भांति आकाशवाणी प्रांगण में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के स्थान पर आकाशवाणी के स्टूडियो से इसका प्रसारण किया जा रहा है। आज इस प्रसारण में हम बापू के कुछ प्रिय भजनों के साथ 12 नवंबर 1947 को दिए गए उनके संबोधन का एक अंश भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही जन प्रसार द्वारा आयोजित बाल वृंद भी होगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं बापू का प्रिय भजन वैष्णव जंतु।
जंतु तैने कही पीड़ पराई जाने रे। 15वीं शताब्दी के गुजराती संत कवि नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन गांधी जी को बहुत प्रिय था। भगवान विष्णु को समर्पित ये भजन सत्य, समानता, विनम्रता और सहानुभूति का संदेश देता है। और बापू यही चाहते थे कि मनुष्य असहिष्णुता से ऊपर उठकर सहिष्णु बने, घृणा छोड़कर प्रेम के पथ पर चले। आकाशवाणी के वृंदगान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत बापू का एक और प्रिय भजन आइए सुनते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, कृति तुलसीदास की, संगीत रचना पंडित भोलानाथ मिश्रा।
कैसा विचित्र संयोग है कि 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी आकाशवाणी आए थे तब उस दिन दीपावली का त्योहार था और इस वर्ष 2020 में दो ही दिन बाद यानी 14 नवंबर को दीपावली का पर्व है। एक ऐसे समय में जब हम महामारी की परेशानी से जूझ रहे हैं, प्रभु श्री राम के स्मरण और उनकी भक्ति से निश्चित रूप से उत्साह और सकारात्मकता का संचार होता है। आकाशवाणी के वृंदगान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत बापू के कुछ प्रिय भजनों का हमने आनंद उठाया। बापू के कुछ और प्रिय भजन हम आपको कार्यक्रम में आगे सुनवाएंगे। अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार बनाकर दुनिया को अपने विचारों का लोहा मनवाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को सारी दुनिया ने स्वीकार किया। महात्मा गांधी मानते थे कि विनम्र तरीके से व्यवहार करके आप दुनिया को हिला सकते हैं, जीत सकते हैं। बापू के सिद्धांत, उनका जीवन दर्शन प्रेरणा शक्ति बनकर पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली, प्रसार भारती और जन प्रसार के सहयोग से ये विशेष कार्यक्रम। 12 नवंबर की तिथि हमें उस अतीत में ले जाती है जब बापू पहली बार आकाशवाणी आए थे। बापू मात्र एक ही बार आकाशवाणी आए, अवसर था कुरुक्षेत्र में विस्थापित जनसमूह को संबोधित करने का। गांधी जी का वो संबोधन, वो भाषण आकाशवाणी की बहुमूल्य धरोहर है। आपके लिए प्रस्तुत है उसी संबोधन का एक अंश। दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी तो घनश्याम दास जी ने शायद सूचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र में विस्थापित जनसमूह को संबोधित करते हुए बापू ने जो कहा उसी का एक अंश अभी आपने सुना। इसकी रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी संग्रहालय से प्राप्त हुई। ये सर्वविदित है कि गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। वे कहते थे यदि हमें वास्तव में विश्व शांति चाहिए तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी होगी। लोक सेवा प्रसारण दिवस के अवसर पर स्कूल के बच्चे बापू के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं उन गीतों की प्रस्तुति के द्वारा जो बापू को प्रिय थे और जिनसे बापू को प्रेरणा मिलती थी और आज हम सभी को प्रेरणा मिलती है। मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड नई दिल्ली के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कुछ गीत अब हम सुनेंगे। श्रोताओं, यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि ये वर्ष मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड नई दिल्ली का शताब्दी वर्ष है। 1920 में स्कूल की स्थापना हुई थी। विद्यालय इस बात से गौरवान्वित है कि 13 जनवरी 1935 को महात्मा गांधी इस विद्यालय में पधारे थे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में भाग लेते हुए स्कूल के बच्चों को जहां गर्व है वहीं दिली खुशी भी है। तो आइए
मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड नई दिल्ली के बच्चों द्वारा प्रस्तुत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये प्रसिद्ध रचना सुने। जदि तो डाक शुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও বাগা, কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায়, সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায়, সবাই করে ভয়, তবে করান খোলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও বাগা, সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়। যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে। ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও বাগা, আলো না ধরে যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে। যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে। আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর কি ইস রচনা কে বাদ मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड नई दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत एक और गीत सुनते हैं जो कि बापू को बहुत प्रिय था, अबाइड विद मी। 1847 में लिखी गई हेनरी फ्रांसिस लाइट के इस भक्ति स्तोत्र से बापू बहुत प्रभावित थे और इसे अपने लिए एक ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत मानते थे। आइए सुनते हैं। Failing comfort.
मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड नई दिल्ली के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कुछ गीत हमने सुने। संगीत संयोजक श्रीमती बैसाखी समझदार। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ महात्मा गांधी का स्नेह और आत्मीयता का संबंध था। उनके साहित्य, संगीत और कला से बापू ने प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त की। कैम्ब्रिज स्कूल ग्रेटर नोएडा के विद्यार्थी अब आपके लिए प्रस्तुत करेंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना जो बापू को बहुत प्रिय थी, आनंदोलोके। आनंदोलोके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जिसे प्रस्तुत किया कैम्ब्रिज स्कूल ग्रेटर नोएडा के विद्यार्थियों ने। संगीत संयोजक श्री सिद्धार्थ मुखर्जी। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो दीवार पर अंकित बापू के ये शब्द हमें सहज ही आकर्षित करते हैं। मेरा धर्म बंदी गृह का धर्म नहीं, ईश्वर के रचे नन्हे से नन्हे जीव के लिए उसमें जगह है, लेकिन जाति धर्म या वर्ण का दंभ उसे छू नहीं सकता। बापू के शब्द हमें प्रेरणा देते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। बापू के कुछ और प्रिय भजनों को सुनकर आइए एक बार फिर भक्ति और अध्यात्म के रस का आनंद उठाएं।
आकाशवाणी के वृंदगान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लीजिए सुनिए गुरु नानक देव जी की रचना हरि बिन तेरो कौन सहाय। संगीत रचना पंडित भोलानाथ मिश्रा। तेरो हाँ।
गुरु नानक देव जी की इस रचना के बाद आइए सुनते हैं कबीर दास की रचना झीनी झीनी बीनी चदरिया। संगीत रचना सुरेश मिश्रा। जीनी चदरिया आने के
झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये थी संत कबीरदास की रचना। संगीत रचना सुरेश मिश्रा। ईश्वर एक है, वो परम सत्य एक ही है, और बापू आजीवन इसी एकता के लिए, इसी समता के लिए जीते रहे। सभी धर्मों का उन्होंने सम्मान किया, सभी की भावनाओं का उन्होंने आदर किया। बापू ने एक ऐसे ही भारत का सपना देखा जहाँ पतितों का उत्थान हो, हर प्राणी का सम्मान हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। प्रस्तुत है राम धुन। श्रोताओं, अभी जिन भक्ति रचनाओं और राम धुन का आपने आनंद लिया, उन्हें प्रस्तुत किया आकाशवाणी के संगीत कलाकारों ने। गायक कलाकार रेखा कुमारी, श्वेता दुबे, शाहजमा खान और देवानंद झा। संगत कलाकार तबला गुलाम गौस भारती, सितार खालिद मुस्तफा, बांसुरी अनुराग रस्तोगी, मंजीरा रहमत हसन और हारमोनियम अफसर हसन। आकाशवाणी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि 12 नवंबर 1947 की है, जब बापू ने प्रथम
और एकमात्र बार आकाशवाणी प्रांगण में अपने कदम रखे थे। उस गरिमामय अवसर को प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार फिर महात्मा गांधी के उस आगमन को याद करते हुए हम आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।